पीताम्बरा गरुड बिंब पलादरोचा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जामि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आराध्य उपास्य स्मरणीय पूजनीय वंदनीय देवेभ्यो नमः मंगल निरांजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवंदनम आत्मकल्याणाते आत्माभिवंदनम व्यासादीनां वंदनम हस्तौ प्रक्षालनम कराभ्यां मंत्र पुष्पांजलिः ओम जगनेन जगनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना तेहनागम महिमानः सचंद्र जत्र पूर्वे शाद्या शांति देवा चरण नलिन युग मम पंकजे भोजयित्वा कनक कमल मालां कंठ देशे पयित्वा देश की जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की सदगुरु देव भगवान की व्यास नारायण भगवान की ओम नमः पार्वती पदय हर हर कृष्ण मंगलम में
वसुदेव सुतम कंचचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते दुरिं यत् कृपातं वन्दे परमानंदं माधवं लोका विरामं रंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भक्तवांचा कल्पतरु अखिल रसामत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परत्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू उदासीन आचार्य जगतगुरु श्री चंद भगवान की कृपा कटाक्ष से हम तुम आप सब अपने गुरु दरबार में इन पंच महापुरुषों के समक्ष बैठे हैं। दिव्य तपोमूर्ति भगवत अनुरागी श्री बाबा हरिहर जी महाराज उन्हीं के कृपा पात्र दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिकिशन दास जी महाराज श्री द्वारकाधीश जी के कृपा पात्र दिव्य तपोमूर्ति भगवत अनुरागी श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू के कृपा पात्र दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत मम सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी महाराज। तो इन गुरुजनों की कृपा से महापुरुषों की कृपा से सब हरि भक्तों की कृपा से और हमारे वेद पाठी ब्राह्मण आचार्य संगीत गायक आश्रम के सभी संत हमारे गुरुजन हमारे गुरु भाई जो भी हमारे आश्रम में अतिथि संत सभी संतों को प्रणाम करते हुए हरि भक्तों को प्रणाम करते हुए ये बाबा हरिकिशन दास जी के जन्म जयंती के उपलक्ष में भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यह गुरु जनों की कृपा से ही यह बड़ा सुंदर ढंग से ये आम भक्तों को भगवान का चरित्र श्रवण करने को मिल रहा है। तो ऐसे गुरुजनों को हम भक्तों को प्रणाम करते हुए मंगल गीत में प्रवेश करते हैं। कमला कुछ मंगल कुछ मंगल तत्कुंडल सित कमला कुछ मंगल तत्कुंडल सित कमला कुछ मंगल तत्कुंडल सुषित कमला कुछ मंगल
Thank you.
रे प्रणतामयम मितभावय तव चरणे प्रणतामय मितभावय गुरु कुचल में पनते सजय गुरुदेव हरे महापुरुषों की कृपा से हम लोग लगातार यह चौथा दिवस है पांचवा दिवस कथा सवन करते आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है। कहते हैं जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं भगवान की पूजा करते हैं, कहते हैं ये सारा कर्म करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो इसका फल शास्त्रों में वेदों में कहते हैं जब समय आता तब मिलता है, क्योंकि वह पकता है, फल जैसी लगता है ना तो पक जाता है, तो समय आने पर वह फल मिलता है। बाकी कहते अगर आप संत दर्शन कोई श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों में चले जाओ और उनके दर्शन कर लो ना और वह प्रसन्न हो जाए तो तुरंत फल मिल जाता है। दर्शन करो और संत के वाणी से दृष्टि से पता नहीं क्या आशीर्वाद मिल जाए और उसका फल तुरंत ही मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ है। इसलिए कहते माघ मजन कर साधुआ धूड़ी कर स्नान, यह हमारे गुरुजन 12 माह की रचना करी ना उसमें कहते हैं कि माघ मजन कर साधुआ धूड़ी कर स्नान। कहते हम मेले में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करने तो जाते हैं भगवान का कि हम दर्शन करें, संतों के दर्शन करें, इसीलिए तो हम तीर्थों में जाते हैं कि गंगा जी का भी कहते स्नान और संतों के तुरंत दर्शन से वह फल हमें मिल जाता, इसीलिए हम संतों के दर्शन करते हैं। इसीलिए कहते हैं इधर कहते चित्र केतु वह कहते माँ भगवती का श्राप स्वीकार कर लिया, करने के बाद में कहते देवताओं के कहते मरुदगणों की फिर उत्पत्ति हुई है। कहते देवताओं की पराजित करने वाला पुत्र की प्राप्ति के लिए दीति का पुष्पवान नाम का व्रत वह करने के लिए वह कहते तैयारी हुई। तो कहते व्रत में टूटी होने पर दीति के गर्भ से शिशु का कहते शिशु को इंद्र के द्वारा कहते उन 50 भाग में बांट दिया। उसको ऐसा लगा ना कि अगर पुत्र देवताओं से भी प्रभावशाली उत्पन्न हो गया तो हम तो मारे मारे फिरेंगे, कि तो पहले से कहते अनेक राक्षसों ने आक्रमण करा और कई बार स्वर्ग पर कहते अधिपति जमा लिया। उसने मन में सोचा ऐसा नहीं कोई मेरा भाई
और ये उत्पन्न हो जाए, क्योंकि मन में वह इस प्रकार का था। बाकी इंद्र ने है ना, कहते वह कहते ऋषि जब वहां पर थे तब तो वह इंद्र गया नहीं, अब जब ऋषि महाराज कहते कहीं चले गए ना, तो वह अपनी जो दूसरी माता थी चुपके से कहते माया के द्वारा गर्भ में प्रवेश करा और उनने टुकड़े टुकड़े अपने ब्रज से कर दिया उस भ्रूण के। कहते उसे इतने में इतने भर में भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनने मांस का एक वह कहते वह था तो वह टुकड़े नहीं हुए। इंद्र ने कहा कि मरुत इस प्रकार से इनका नाम कहते मारू मारू कर को ऐसे टुकड़े करा तो उनका नाम मरुदगन हो गया। जब वह प्रसव का समय हुआ तो एक पुत्र के स्थान पर छोटे छोटे कहते 49 कहते पुत्र उत्पन्न हो गए। तो इंद्र आया तो दीति ने कहा एक पुत्र होना चाहिए तो इतने पुत्र कैसे हो गए। तो इंद्र घबरा गया तो उन्होंने कहा सच सच बता दो तो ठीक रहेगा। तो इंद्र ने सारी बात बता दी, दीति से क्षमा मांगी और वे 49 पुत्रों को साथ लेकर के कहते स्वर्ग आ गया और यहीं पर कहते मरुदगन के नाम से वह विख्याति हुई उनकी। भगवान कहते भगवान की कथन का कहते यह सिस्टम इसके अंदर संपूर्ण होता है। बोले भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्योंकि समय के अनुसार हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए भाई कल की कथा शाम की अब खत्म हुई है ना महाराज जी, अभी तो कहते हैं इस प्रकार। फिर चतुर्दिवस प्रथम सत्र विश्राम और इसके बाद में सप्तम स्कंद में सात के कहते सातवें स्कंद को उति कहते हैं। इसमें तीन प्रकार का स्वभाव का वर्णन किया गया है, कहते देव स्वभाव, मनुष्य स्वभाव और असुरी स्वभाव का वर्णन करा है। बोले इस प्रकार बोले इसका वर्णन आता कि प्रारब्ध के 5 अध्याय में दैत्य और असुर स्वभाव का वर्णन किया गया है और मध्य के 5 अध्याय में देव स्वभाव का और अंतिम के 5 अध्याय में मनुष्य स्वभाव का वर्णन किया गया। इसलिए कहते हैं समा प्रिय है सुरहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियस्य कथम दैत्यानवदीदृशमो यथा। परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं महाराज, भगवान तो समदर्शी है क्योंकि एक नाम उनका समदर्शी है नाथ, तुम तो समदर्शी है नाथ तुम्हारा नाम। फिर देवताओं के पक्ष लेकर के असुर का वध बार बार क्यों करते हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारा कथन सत्य है कि भगवान का स्वभाव गुण से रहित है, परंतु जब वह भगवान की सत्व गुण की वृद्धि करनी होती है तब वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। जैसे पाप बढ़ जाता है तो वह राक्षसों का कल्याण करते हैं और ज़्यादा पुण्य हो जाए तो देवताओं की तरफ कुछ ऐसा कर देते हैं कि देवता लोग अपने स्वभाव में रहें। इसलिए कहते फिर भी देवताओं का पक्ष तो ज़्यादा ही लेते हैं, बाकी असुरी स्वभाव को दबाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए भगवान कई प्रकार की लीला करते हैं और मनुष्य जन्म को कहते मनुष्य को यह बताते रहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार इस संसार में कहते शास्त्र हित चलना चाहिए। कहते इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के लिए मनुष्य का और तमोगुण की वृद्धि के लिए असुरों का पक्ष लेते, परंतु भगवान के भक्त मनुष्य योनि में हो या देत योनि में हो क्यों ना हो उसके लिए भगवान सदा पक्षपात रहित उसका सदा पक्ष लेते हैं, चाहे वह देव हो या दानव हो। जब बात आती है तो भगवान निष्काम है, निष्काम कर्म होगी और बराबर वह कहते वह इस प्रकार फैसला लेते हैं। यह बात एक बार कहते राजसु यज्ञ में जब शिशुपाल के शरीर से निकली हुई दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई तो आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद से पूछा
कि देव ऋषि शिशुपाल तो भगवान से भी द्वेष करता था, परंतु इसे इस प्रकार का दिव्य गति कैसी प्राप्त हुई? यह गति बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होती। देव ऋषि नारद कहते, धर्मराज युधिष्ठिर बैर भाव से या बैरहीन भाव से, भय से या कहते सर्प आदि के दसने से अथवा काम से, किसी भी भाव से अपना मन भगवान में लगा देना ही चाहिए, क्योंकि भगवान इन भाव को कोई भेद नहीं मानते। क्योंकि भगवान जैसे रावण था ना, वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विद्वान तो था ही, बाकी उसकी भक्ति बेर वाली थी, क्योंकि भक्ति तो नाम तो लेता नहीं था, बाकी वह भगवान का हर पल पल नाम लेता था, क्योंकि हर समय डर रहता था उसके मन में कि कहीं मुझे मार ना दे, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये बेर भाव वाली भक्ति थी, इसलिए भजन तो वो भी करता था, इसलिए भगवान ने तो कहते हैं गोपियों ने भी प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंत वृक्त ने, अनेक राजाओं ने देव से, कहते देवेश से, यदुवंशियों ने संबंध से, और आप लोगों ने इसने से, हम लोग ने भक्ति से अपना मन भगवान में लगा रखा। और धर्मराज युधिष्ठिर यह दोनों शिशुपाल और दंत वृक्त कहते भगवान के पूर्व जन्म के जय विजय नाम के पार्षद ही थे, बाकी वह संतों का श्राप लगने के कारण उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, जिन्होंने संकादिक ऋषियों द्वारा कहते तीन जन्म तक असुर योनि का श्राप मिला था। जब कहे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और उसी समय भगवान 12 अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया। उन्होंने कहा, मेरे भाई को मार दिया, जरूर कभी समय मिलेगा तो मैं बदला लूंगा। बस उसके मन में बदले की भावना थी कि मेरे भाई को मार दिया है। तो कहते हिरण्यकशिपु तपस्या करने चल पड़ा, देवताओं ने हिरण्यकश्यप के नगर को घेर लिया और अनेक दैत्यों का श्रृंगार कर दिया। कहते इंद्र कयादु के बंदी बन गई, कहते इंद्र ने कयादु को बंदी बना लिया और अपने इंद्रलोक ले जाने लगा, और इंद्रलोक ले जाने लगा और उसके कहते गर्भ में कहते भगवान का कहते भक्त अवतार होने वाला। तो कहते वह कहते हिरण्यकशिपु है ना, अब किस प्रकार कहते वह कहते अब तपस्या कर को अपना बल बढ़ाने के लिए, कहते जब देवताओं ने इस प्रकार श्रृंगार करा तो अपना बल बढ़ाने के लिए वह कहते जंगल में तपस्या करने चला गया कि मैं भगवान कहते ब्रह्मा जी की तपस्या करूं और मुझे इतना बल आ जाए कि मैं देवताओं को हरा दूं बोले, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था। अब इधर देखो कैसी भगवान की माया, कहते वह तपस्या करने गया और इधर नारद जी है ना एक सुख का रूप बना लिया, मैंने सुख का कहते वह कहते छोटा सा काबरा बन गया और जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करता था वहां जाकर बैठ गया। अब ये आंख बंद कर को तपस्या करे और इधर ये नारायण नारायण करे, तो इसे बड़ा क्रोध आए, बोले ये मेरा दुश्मन का नाम कौन ले रहा है, बोले उठ करके और फिर उसे पत्थर मार दे, फिर वह उड़ जाए, फिर तपस्या में बैठ जाए। और फिर वह इसी प्रकार कहते कई बार करा, नारायण नारायण का उच्चारण करता है। अब उसे क्रोध आ गया तो तपस्या छोड़ करके और घर आ गया। अब घर आ गया तो वह शाम को जब कहते भोजन प्रसाद पा लेते और जब सोने जाते हैं तो अपनी पत्नी को पत्नी पूछती है, बोले नाथ बोले आप वापस क्यों आ गए? अरे बोले क्या बताऊं, बोले क्या दू, बोले है ना मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। बोले तो बताओ कौन सी घटना हो गई? बोले नाथ आप तो तपस्या करने गए थे ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो वह राक्षस कहता है, हिरण्यकशिपु कहता है कि बोले मैं जब जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा और एक काबरा आ गया, बोले और वो है ना मेरे दुश्मन का नाम उच्चारण करता है, बोले क्या बोलता है?
कहते नारायण 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 बोलता है। अब है पत्नी तो चाहती थी कि कम से कम ये भगवान का नाम तो ले रहा, और इसी प्रकार कहते कई बार उसने पूछा, बोले मुझे सुनाई नहीं दिया, बोले स्वामी बोले किस प्रकार कहता था, बोले यही कहता था, बोले नारायण नारायण, मैंने किसी बहाने वह कई बार नारायण नारायण नाम का उच्चारण वह करता रहा, और करते करते कहते वह है ना उनका मिलन हुआ, और उससे कहते कयादु को कहते गर्भ में कहते वह बालक का प्रादुर्भाव हो गया। अब इधर बालक का प्रादुर्भाव हो गया, और इधर कहते देवता ने कहते वह आक्रमण करा, और करने के बाद में कयादु को बंदी बना लिया, और हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने चला गया। अब वह तपस्या करने चला गया तो इधर नारद जी कहते हैं इंद्र से, बोले इंद्र बोले इस प्रकार बोले स्त्री को सताना नहीं चाहिए, बोले क्योंकि ये कहते इसे कुछ मारना नहीं, कहते महाराज बोले इसके कहते है ना इसके पेट में है ना कहते राक्षस का जन्म होगा। तो नारद जी कहते हैं बोले तुम ये भूल को नहीं सोचना, क्योंकि ये कयादु के पेट में है ना भगवान का बहुत बड़ा भक्त जन्म लेने वाला, इसे कहते नुकसान नहीं पहुंचाना। बोले और जब इस प्रकार कहा तो नारद जी मान गए कि चलो भगवान का भक्त आने वाला है। नारद जी ने अपने कुटिया पर ले गए, और ले जाने के बाद में कयादु को अपनी कुटिया पे रखा, और इधर है ना वह कहते हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, और वह कयादु नारद जी की कुटिया में रहने लगी। ऐसे रहते रहते समय आया, समय आने पर कहते बालक का जन्म हुआ। अब बालक का जन्म हुआ, संत के यहाँ रहती थी कयादु। अब वह जन्म हुआ, और जन्म होते ही कहते गुरु जी ने बड़ा संस्कार दिया, सारा संस्कार कराया, बढ़िया पढ़ाया लिखाया भगवान का नाम, कहते किस प्रकार भजन करना। बोले वह नारद जी उन्हें सिखाते, कहते बेटा बोले जहाँ भी रहो कहीं भी रहो बोले हर समय बोले भगवान तुम्हारे हमारे सबके साथ में, इसलिए हर समय बोले माला झोली हर समय भगवान का नाम जपते रहना। कहते कैसे नाम जपूं, ब्रज के नंदलाला और राधा जी के सांवरिया, जब से तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर सबसे तेरा नाम लिया, भज के नंदलाला और राधा जी की सांवरिया, सबसे तेरा नाम लिया, सब दुख दूर जब से तेरा नाम लिया, हम दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना,
सुमरन कर ले मेरे मना तेरी उमर हरि नाम बिना सुमरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरि नाम बिना Oh,
क्रोध मद लोभ निवारो काम क्रोध मद लोभ निवारो छोड़ विरोध तू संत जना छोड़ विरोध तू संत जना कह नानक तू सुन भगवंता कह नानक तू सुन भगवंता इस जग में नहीं कोई अपना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले उमर हरी नाम तेरी बीती उमर हरी नाम बिना तेरी बीती उमर हरी नाम बिना। इधर प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो गए और हिरण्यकश्यप वह महल में आया, पता लगा मेरे यहाँ पुत्र रतन की प्राप्ति हुई कयादु को और कहते प्रहलाद जी को अपने महल में ले आए। धीरे धीरे उन्हें शिक्षा दीक्षा देने के लिए कहते गुरु आश्रम पहुँचाया। अब गुरु आश्रम पहुँचाया तो प्रहलाद जी तो पहले ही भगवान के भजन में मस्त रहते थे, अब वह भगवान के भजन करें और जो और विद्यार्थी थे उनको भी भगवान के भजन में लगा लिया। अब वो सारे ही कहते नारायण नारायण करते रहे, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते सारे कहने लगे। बोले महाराज, बोले गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी डांटने लगे, अरे प्रहलाद बोले ये क्या कर रहे हो तुम, बोले सब बच्चों को बिगाड़ रहे हो, अगर राजा को पता लगेगा तो बोले मुझे भी मारेंगे और तुमको भी सबको मारेंगे। तो वह कहते कि बोले महाराज बोले तो भगवान का नाम इससे अच्छा ही होता है, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। बोले उन्होंने कहा ये भगवान भगवान नहीं मानते, बोले यहाँ का भगवान तो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप भगवान का नाम लो। इस प्रकार कहा, प्रहलाद जी माने नहीं। पिताजी को पता लगा कि ये मेरे दुश्मन विष्णु का नाम लेता है तो पिताजी ने अनेक प्रकार से कष्ट दिए, कहते पहाड़ से गिराया, समुद्र में फिकवाया, कहते जहर पिलाया, खूब परेशान करा इतना। और हर जगह जब भी वह प्रहलाद को दुख दे तब तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हर बार बोले भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब ऐसे करते करते कई दिन हो गए, एक दिन पूछने लगे बोले प्रहलाद, बोले ये तुमको कौन सिखाता, तुम्हारे गुरु, कहते तुम्हारे गुरुजी सिखाते हैं या तुम्हारे पढ़ाने वाले सिखाते, कौन सिखाता है? कहते बोले मुझे गुरुजी नहीं सिखाते हो। जब मैं हिरण्यकश्यप ने पूछा मास्टर से कि तुम इसको इनको क्यों बिगाड़ते हो, इस प्रकार का पाठ पढ़ाते हो, कहते राजन बोले मैं नहीं सिखाता हूँ। वह डर के मारे काँपते हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं बोले महाराज, बोले ये तो पहले से ही पढ़ा पढ़ाया आया, इसे बोले मैं क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं। सब बोले सब विद्यार्थियों को कीर्तन कराता, कभी किधर कुछ करता, बोले इस प्रकार कहते ये मानता ही नहीं। इसलिए कहते वह पिताजी ने खूब उसे डांटा। फिर कहते बोले ये किस प्रकार की भक्ति है, बोले भक्ति कौन सी प्रहलाद जी? कहते महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमनोनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति छे नवलक्षणा
प्रियते भगवता तन्मय दीनमुत्तमम्। पिताजी, सदा भगवान की कथा कर श्रवण करना चाहिए। सर्वनम कीर्तनम विष्णु कहते, सदा ही कहते भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए इन कानों से, क्योंकि भगवान ने कान इसीलिए दिए। कहते मुख से कीर्तन करना चाहिए भगवान का, क्योंकि कीर्तन ही श्रेष्ठ है कलयुग में, हरि कीर्तन। और भगवान विष्णु की सेवा करना चाहिए। अब सेवा में कई प्रकार की सेवा आती है। कहते धन की तीन गति होती है। कहते पहले धन आता है तो हम कई प्रकार के कर्म करके आते हैं, और एक धन जब धन आता है तो उसकी गति क्या तीन होती है। एक तो हम लोग उसको किस प्रकार खर्चा करते हैं, किस प्रकार हम उसे खर्च करना चाहिए, क्योंकि धन तो आ जाता है क्योंकि कई प्रकार, क्योंकि अगर भीख मांगोगे ना तो वह सबसे सीधा सरल, कोई मेहनत नहीं करना पड़े, धन आ जाएगा। बाकी उसे कहते उसको किस प्रकार खर्च करें ये हमें आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। बाकी वह आने के बाद में उसका क्या करना चाहिए, कहते वह किस जगह लगाना, ये हमें सब कुछ जानना चाहिए। और नहीं तो कहते वह आता है और आने के बाद में कई प्रकार से हमें दुख देता है, इसलिए कहते हैं कि दान भोग और फिर इसके बाद में नाश। पहले दान करो और दान करने के बाद में कहते जो धन आया, क्यों आने के तो कई रास्ते हैं, कैसे भी हम कमा लेंगे, ठीक है, बाकी उसको खर्च किस प्रकार करना चाहिए। कोई कम कमाता, कोई ज़्यादा कमाता, इस प्रकार, क्योंकि इसके बाद में भोग, क्योंकि दान आ जाए तो उसको किस प्रकार बोले भोगना चाहिए। कहते एक हिस्सा कहते हम दान करें, एक हिस्से से हम अपना खर्च बचाएं, एक हिस्सा रख दें, एक हिस्सा कहते हम अपने भोजन पानी में लगाएं, एक वस्त्र में लगाएं। कहते ऐसे तीन चार प्रकार से कहते उस दान को कहते सत्कर्म में लगाना चाहिए, और हम कोई दुखी आत्मा उसको भी देना चाहिए, तब तो ठीक है। और नहीं तो हम कमाया और कमाने के बाद में भोग भोग लिया, और भोगने के बाद में वह दान के कारण ही कहते जीव को कहते दुख और सुख में जाना पड़ता, क्योंकि जब धन आ जाता ना तो इसी प्रकार, जब इस प्रकार कहते कहते अर्चनम बंदनम, कहते पूजा पाठ करो, बंदन करो, कहते प्रार्थना करो, अरदास करो, कहते ये, और फिर संतों के पास जाओ तो दास भक्ति कि हम तो सेवक हैं, बोले हम महाराज कुछ नहीं है, हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है और हम लोग तो सेवा करने वाला, कभी अपने मन में यह अहंकार ना आए। कहते कि इस हाथ से कहते सीधे हाथ से लो और इधर दे दो, मैंने इस हाथ से दिया और इसको पता भी नहीं लगे, वही दान श्रेष्ठ है। इसलिए कहते वह सत्कर्म में लगाओ और फिर कहते फिर भगवान की सेवा करो, फिर अपने परिवार का पालन करो, फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखो। तो इस प्रकार कहते जब हम सब कर्मों को निभाते हुए अगर चलते ना तो फिर हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते, फिर हम स्वतंत्र रहते हैं। भगवान हमें ये नहीं पूछता है कि तुम बोले दान करा कि पुण्य करा, क्योंकि ये सर ये मस्तक की रेखा ये हमारे व्यवहार आचरण ये सब हमें बता देता है कि हम किस प्रकार है। तो ये कहते पिताजी बोले इस प्रकार बोले तुम करो, क्योंकि भगवान के भजन करो, क्योंकि वही पालनहार है और वही हमको भी जन्म देता है, वही तुमको भी देता है जन्म। पिताजी सदा भगवान की कथा का श्रवण करने, उनके नाम के कीर्तन करना, पूजा करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, बंदन करना, अनेक कहते दास कहते सत्यव्रत तथा अपने सर्वस्व भगवान नारायण के चरणों में समर्पित देना। भगवान इसी प्रकार नवदा भक्त का
भक्त को ही श्रेष्ठ कहते अध्यात्म समझते हैं। कहते हिरण्यकश्यप जैसे यह सुना बड़ा क्रोधित हुआ, गुरुपुत्र से कहा तुमने मेरे इस बालक को कैसे निरस शिक्षा दी। बोले ऐसी गलत शिक्षा दी क्यों, तुम्हें अभी दंड देता हूँ। तो गुरुपुत्र कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगा। हो बोले अब तो बोले मेरी सामत आ गई। इसके बाद में कहते हैं नामत प्रणीतम नापवत प्रणीतम सुदोवत्ये से तवेन्द्र शास्त्रो नैसर्गिकीयं मदिरस्य राजन् नियश्च मन्यो कददादमस्मनः। कहते महाराज हमने इसे शिक्षा नहीं दी, ये तो जन्म जात इसके अंदर कूट कूट करके कहते हरि नाम का कहते ये भगवान का ये हृदय में बसा को रखा है, इसलिए हम क्षमा कीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद कहाँ जब तुझे ये शिक्षा गुरुपुत्र से प्राप्त नहीं हुई तो कहाँ से तुझे प्राप्त हुई। तो फिर कहता है मतीर्ण कृष्णो परतो वा गृहता महीयसां पदराजाभिषेकम् पिताजी जब तक प्राणी महापुरुषों की चरण धूल से स्नान नहीं कर लेता तब तक उनकी बुद्धि अपने या किसी समझ में नहीं आती, क्योंकि भगवान के चरणों में कहते वह लगती नहीं। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मुख से ये बात सुनी तो वह गोद से नीचे पटक दिया, देश से कहा इसे अभी मार डालो। तो इस प्रकार कई प्रकार वह प्रहलाद को परेशान करने लगा। गुरुपुत्र कहते सांडा मर्क ने कृत्या उत्पन्न की और कृत्या ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लौट करके गुरुपुत्र को ही उसने खा गई। बोले अब है गुरुपुत्र मर गया। अब मर गया तो इधर प्रहलाद जी बड़ी प्रार्थना करे, बोले महाराज बोले ऐसी मत करो बोले प्रभु, क्योंकि ये मेरे शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने वाले को बोले प्रभु आप अगर ऐसे कटे दंड दोगे तो बिल आपके भक्त के ऊपर बड़ी संकट आएगी, इसलिए इसे जीवित कर दो। तो इस प्रकार प्रार्थना करा और करने के बाद में वह जीवित हो गया। अब इधर कहते हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, उसकी बहन आई होलिका। कहते होलिका ने कहा कि भैया बोले तुम चिंता नहीं करो, बोले इसका इलाज मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी दवाई है, क्योंकि भगवान सूर्य ने मुझे ऐसे कहते ऐसा वस्त्र दिया कि मैं उसे ओढ़ करके बैठ जाती हूँ ना अग्नि में, तो मैं जलूंगी नहीं और मैं प्रहलाद को है ना गोद में लेकर बैठूंगा तो प्रहलाद जल जाएगा। बोले सीधा इलाज हो जाएगा। अब होली आई और होलिका क्योंकि होली का त्यौहार है ना इसीलिए मनाते हैं, क्योंकि प्रहलाद भक्त को जैसे ही बहन ने कहते लकड़ी की बहुत बड़ा लकड़े का ढेर लगाया चीता बनाई और चीता के ऊपर मतलब बहन बैठ गई और उसकी गोद में प्रहलाद बैठ गया, इधर अग्नि लगा दी। जैसे अग्नि लगी जोर से अग्नि लगी हवा चली और हवा से वह चुन्नी उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका को नमो नारायण होलिका मर गई। जय जय श्री राम। कुमारो अचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्बलं मारुषं जन्म तदरण्यं। मित्र यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और सदा रहने वाला भी नहीं है, इसलिए कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख तो किसी योनि में प्राप्त हो सकता है, इसलिए सुख देने वाला
उन भोगों को प्राप्त के लिए प्राय कहते प्रायश्चित करना चाहिए और बोले कहते इस मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा बेलाल मेरे क्रोध करने पर लोकपाल सहित बोले तीनों लोग बोले घबराते हैं और फिर तू किसके बल पे मेरे विरुद्ध बोले इतना बड़ा कार्य कर रहा है बोले मेरे दुश्मन के नाम ले रहा और मेरे से द्रोह कर रहा बोले तू किसके बल पर करता है बोले मुझे बताओ। ना केवलम मे भगवत राजन सभे बलम बलीनाम च परेशाम परिणावडोमि स्थिरं जंगम पिताजी मैं पिताजी वो नारायण न केवल मेरे अपुते आपके भी बल हैं क्योंकि सारे कार्य वह भगवान के बल पे ही आप करते हो। चलते हो तो भगवान की कृपा से नेत्र खोलते हो तो भगवान की कृपा से बोले हर कार्य भगवान ही करते हैं क्योंकि मनुष्य का कहते इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह एक पग अपनी मर्जी से कहते वह धरता हूँ क्यों कि सुबह अपनी सोता अपनी मर्जी से और उठता भगवान की कृपा से क्योंकि सो जाओ और सुबह उठो ना उठो ये किसको भरोसा है कोई नहीं जानता क्योंकि वह भगवान के हाथ में डोर है मनुष्य की और जब सो जाते हैं तो कहते वह भगवान की भगवती देवी है ना वह अपने गोद में सिलाती है पृथ्वी माता इसलिए जब उन इसलिए तो मनुष्य सोता है क्योंकि ये अर्ध मृत्यु ही समझो क्योंकि जैसे मृत्यु के बाद में हमें कोई होश नहीं रहता तो सोने के बाद में भी एक ऐसा पल आता है कि उसमें हमको अपना होश भी नहीं रहता कि हम कहाँ हैं तब कहते हैं वह कहते भगवान की गोद में जीव सोता है और इसके बाद में कच्ची नींद होती है ना तब तो इधर उधर पलटता रहता भजन इसलिए संत लोग भजन करते हैं। अब गृहस्थ लोग तो कभी ये सोचेंगे महाराज नींद ही नहीं आई कई प्रकार का बाकी हम लोग तो अगर उठ जाते हैं ना पढ़ते हैं कथा सुनते हैं ये कई प्रकार तो इसलिए पिताजी उनका ही बल है तो एक तिलक से लेकर ब्रह्मा जी तक सपून चराचर जगत उन्हीं की अधीन है। हिरण्यकश्यप कहा तेरे नारायण कहाँ रहता है पहलाद ने कहा वह सब जगह रहता है भगवान कहते भगवान वहीं रहते हैं जहाँ भगवान का भक्त रहता बोले कहाँ नहीं रहता बोले। जब इस प्रकार गया तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में भी पहलाद है उन्होंने कहा हाँ महाराज बोले इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने जोर से जैसे ही कहते इस खंभे में भी है और जोर से मुष्टिका पहार करा खंभे में और जैसे ही खंभे में मारा वैसे ही गरजते हुए बोले भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हो बोलो नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए और प्रकट होकर के पहले तो कहते जैसे ही प्रकट हुआ ना तो हिरण्यकश्यप उसे मारने गए तो भगवान एक दो बार तो इधर उधर होते रहे फिर भगवान ने क्या करा जो एक जड़ा उसे चाटा तो घिन्नी खा करके नीचे जमीन पे गिर गया। उनने कहा कि अरे ये कौन है बोले अब जैसे ही गिर गया वैसे ही भगवान ने उसे उठा करके और अपनी देवड़ी पर ले आए जहाँ कहते हिंदी में देवड़ी कहते हैं राजस्थानी में अब दिल्ली में क्या कहते मुझे पता नहीं चौकट हाँ चौकट पे लेकर आ गए और ऐसे क्योंकि अधमरा कर दिया करने के बाद में ऐसे रख लिया और रखने के बाद में कहते ये बता बोले तुझे बड़ा अभिमान था क्योंकि तुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था ना कि दिन में मरूँ ना रात में मरूँ न किसी मनुष्य से मरूँ ना जानवर से मरूँ ना बोले अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ ना रात में मरूँ ना दिन में मरूँ न सस से मरूँ और न किसी के कहते इस प्रकार कई वरदान ले रखे थे बाकी ब्रह्मा जी को क्या पता कि भगवान ऐसे भी बन जाते हैं क्योंकि उन्हें तो आशीर्वाद दे दिया हाँ भैया ठीक है क्योंकि जब राक्षसों का दबाव पड़ता है तो भोले बाबा जैसे भोले भंडारी जैसे दे देते हैं फिर वह परमात्मा अपने आप संभालते हैं। जब इस प्रकार ले लिया तो उन्होंने कहा बोले अरे बोले नालायक बोले ये बता तो वो कहते हैं अब बेहोशी हालत में बोले आप कौन हो बोले
तो बोले देख ले, बोले तुम तो ना नर नर दिखते हो और ना मनुष्य दिखते हो ना जानवर दिखते हो, बोले कौन हो बोले आप, कहते ना तुम्हारे पास शस्त्र है ना कुछ है, बोले इस प्रकार सब सब कुछ बात बताई और बताने के बाद में देख ले, बोले तूने जो वरदान मंगा ना वो वरदान में से कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, ना हथियार है और ना अभी, कहते ना रात है ना दिन है, बोले अभी संध्या का बेला है, गोधूली बेला है, और कहते मैं कहते ना नर हूँ और ना पशु हूँ बोले, क्योंकि मेरा शरीर नर का है तो पशु का मेरा मुख है बोले, और मेरे नखुनी मेरे शास्त्र है, और बोले कहते इसलिए कहते अब मैं तेरा नमो नारायण करता हूँ, और भगवान ने जैसे ही अपने नखुन से पूरा कहते ऐसा उंगली से कहते अपने नखुन से सब पेट में हाथ डाला और आतड़ियाँ सारी निकाल ली, और निकाल करके अपने ऊपर डाल ली भगवान ने, और खूब गर्जना करते रहे, इतनी गर्जना करे इतनी गर्जना करे कि देवता लोग बोले हिलने लगे, सारे देवता घबरा गए, घबरा करके कहते दौड़े दौड़े आए, बाकी भगवान को जब जैसे ही देखा ना तो सारे ब्रह्मा जी सारे दूर ही खड़े हैं, अब को भगवान शांति नहीं हो, खूब गर्जना करते हैं, त्राही त्राही करने लगे, जो राक्षस लोग थे और जो भगवान के विमुख थे ना उनको घबराहट बढ़ गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऐसा ऐसा तो नहीं कही कि भूकंप आ गया और हम चले जाएं, इस प्रकार वह सोचते सोचते और फिर वह कहते बोले भगवान जो नरसिंह भगवान है तो कहते लक्ष्मी जी ही इनको शांत कर सकती है, अब वह लक्ष्मी जी को बुलाकर लाए, अब लक्ष्मी ने देखा तो कहते ये तो मेरे पति नहीं है बोले, ये तो कैसे हैं, बड़े बड़े दांत हैं बड़े बड़े बाल हैं, फिर देवता लोग करने लगे, बोले माता बोले इन्हें शांत करो पहले तो फिर बात करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ही पति है, कहते नरसिंह भगवान है बोले ये, बोले शांत करो, अब जैसे ही पास में आए और जैसे ही गर्जना करी तो बोले वह लक्ष्मी जी भी भागती हुई नजर आई, कहते आप ही शांत करो, बोले हम मेरे से तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये रूप कभी देखा ही नहीं, मैंने तो बावन भगवान के छोटा सा देखे, कृष्ण कन्हैया का रूप देखा, सारा रूप देखा, कहते बाकी इस प्रकार का रूप मैंने नहीं देखा, इसे घबरा करके वो भी चली गई, फिर इसके बाद में बोले कौन शांत करेगा, फिर ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बोले जाओ और भगवान को मनाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही भगवान बोले इस प्रकार के स्वरूप में प्रकट हुए, अब जब इस प्रकार जब वह प्रहलाद जी गए और जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करा और भगवान को देखते रहे, तो भगवान कहते बोले प्रहलाद तू डरता नहीं मेरे से, क्योंकि सारे देवी देवता सब भाग गए और बेटा तुझे मुझसे डर नहीं लगता, तो वह बड़े सुंदर कहता है बोले हे भगवान, बोले शेर का बच्चा है ना, शेर का बच्चा कभी अब शेर से डरता है क्या, वो तो जैसे ही देखता है और अपने पास में आ जाता है और अपना कहते अपने पिता का अपने शेर का मुख चाटने लगता है, प्रेम करने लगता है, तो बताओ मैं तो आप ही का बालक हूँ और मुझे आपसे भय कैसा, क्योंकि आप तो कहते दीनानाथ हो जो दीनों पे कृपा करते हो, तो वह जब इस प्रकार प्रार्थना करी तो भगवान नरसिंह कहने लगे बेटे बोले तेरे बुलाने में देर नहीं हुई, बोले मेरे आने में देर जरूर हो गई बेटे, बोले अब तू चिंता नहीं कर, बोले सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, बोले इस प्रकार कई प्रकार बड़ी स्तुति करी, खूब स्तुति करी, कहते बोले प्रभु स्तुति करने लगा, प्यारे कोमल तुम्हारी अंग हाय असुरन शास्त्र मारे मम नाम गुण गाने में, गिरीश गिरियो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कसर राखी न सताने में, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार,
करुणा स्वरूप भयो करुणा दिखाए में मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त को संतावना देते धीरज देते हैं कि बेटे बोले तुम्हें हिरण्यकश्यप बड़ा तुझे दुख दिया क्या क्या नहीं तेरे ऊपर बोले अत्याचार करा इसलिए बेटे बोले मुझे देर हो गई है। इस प्रकार वह भगवान से अपने भक्त को समझाते हैं। भगवान के सामने प्रहलाद जी स्तुति करते हैं हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर लिए और स्तुति करते हैं। कहवं राजा प्रभं विशाखेस्मिन् ब्राह्मणो न प्रभु कहां तो रजोगुण तमोगुण से युक्त असुर के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूं और कहां आप करुणा कृपा अपने जो अपना करके कमल मेरे सिर पर अपने हस्त कमल मेरे सिर पर रख दिए। यह सौभाग्य ब्रह्मा जी शंकर जी और आपके प्राण बल्लभ श्री लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं धन हूँ। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद बेटा वर मांगो पहले क्योंकि जो तुझे चाहिए वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो चाहिए बोले तूने बड़ा कष्ट उठाया और मेरी भक्ति करी। तो प्रहलाद जी कहते असम अशीषम अस्ते न सभक्त से मानिक जो सेवा कहते जो सेवक सेवा के बदले में कुछ मांगता है वह सेवक नहीं रहा वह व्यापार की श्रेणी में। प्रभु मैं इसलिए मैं आपसे क्या मांगू आप तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी हृदय में बोले कभी मांगने की कामना उत्पन्न ही नहीं हो। बोले मैं आपसे कुछ कभी मांगू ही नहीं बोले क्योंकि ये यही मुझे वरदान दो। बोले प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो मेरे पिताजी को करे हिरण्यकश्यप जिन्होंने आपको अपराध किया उनको आप मुक्त कर दीजिए बस इतना ही मांगना चाहता हूँ। जब इस प्रकार प्रहलाद जी ने भगवान से कहा तो भगवान प्रहलाद जिस कुल में तुम्हें जैसे भगवान के भक्त अगर जन्म लेते हैं उस कुल में कहते 21 पीढ़ी तक बोले मैं चार तार देता हूँ। कहते 21 पीढ़ी कौन कौन सी महाराज तो कहते एक तो इस शरीर की 7 पीढ़ी इस शरीर की और 7 पीढ़ी नाना नानी की और 7 पीढ़ी आने वाली। कहते मैं उन 21 पीढ़ी को तार देता हूं। बोले जब इस प्रकार कहा तो कहते पहले और 10 के बाद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उसी समय राजगद्दी पे बिठाया। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को खूब डांटा
और डांटने के बाद में खबरदार कहते आज से कहते ऐसे वरदान कभी देना नहीं, क्योंकि इतना कठोर वरदान दिया कि बोले मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए कहते कितने रूप बनाना पड़ा। तो ऐसे कभी बिना सोचे समझे बोले किसी दुष्ट को वरदान नहीं देना। इस प्रकार भगवान ने कहते बड़ा ब्रह्मा जी को डांट लगाई और बोले आगे से ध्यान रखना। तो इस प्रकार कहा तो वह बार बार ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं, कहते प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आप मैं दाता हूँ और आप विधाता हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ रचना ही करता हूँ, बाकी आपकी तो माया कहते हमारे जैसों को भी समझ में नहीं आया, इसीलिए तो मैंने प्रार्थना करी थी कि प्रभु मैं सृष्टि की रचना करूँ तो आपकी माया बोले मुझे परेशान नहीं करें। जब इस प्रकार कहा तो वह आकाश से फूल बरसने लगे। देवता लोग सिद्ध लोग है ना, खूब फूल बरसाए और देखते ही देखते वह कहते प्रहलाद जी को राजगद्दी दी और देख करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। फिर वह कहता है प्रार्थना करता है तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में जाऊं जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे दर्शन पाऊं हर्ष हर्ष के हर गुण गाऊं। हर्ष हर्ष के हर गुण गाऊं। बरस जाओ रस बन के। ओ बरस जाओ रस बन के। बरस जाओ रस बन के। नस नस बस जाओ श्या बरस जाओ रस बन के। कमल में श्या बरस जाओ रस बन के। प्यार से प्रेम से
राजगद्दी सौंप दी और प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर भगवान का भजन गाया। और भजन गाने के बाद में इधर त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था, वह बड़ा परेशान करता था, तो भगवान को भगवान शंकर ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब उसका भी उद्धार कर दिया तो कहते धर्मराज ऋषि ने देव ऋषि नारद से पूछा कि बोले महाराज कहके ये तो बड़ा पापी था, तो भगवान शंकर ने इसका भी कल्याण कर दिया। इसके बाद में कहते वह कहने लगा बोले साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और तुम भी भूखा ना रहो, बोले सब बोले एकदम शांत रहे। कहते भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर दी और प्रार्थना करके कहते भगवान के भक्त बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में कहते क्योंकि संत और भगवंत कहते जब कृपा हो जाती है ना तो उसका फिर कहते अनंत गुना फल कहते वह भक्त को भगवान कहते प्रदान कर देता। इसलिए फिर इसके बाद में फिर आगे चलते हैं भाई, क्योंकि अभी राम जी भी आने वाले शाम को, सुबह राम जी आएंगे तो शाम को श्याम जी आएंगे, नहीं तो बोलेंगे बाबा जी तो बस अपना ही ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं ना, कुछ खिला रहे ना पिला रहे ना, बधाई है ना कुछ है, बोले माता लोग भी शांत बैठी है एकदम। इसलिए क्योंकि आनंद तो तभी होगा ना जब बोले अयोध्या जी में जब ठाकुर जी आएंगे। इसलिए कहते 14 मनुओं का वर्णन है, कहे पंचम दिवस प्रथम सत्र की कथा, तो कहते 8वें स्कंद को मनमत्तर कहते हैं और मनमत्तर नियन सिद्धर कहते सिद्धर्म प्रत्येक मनमत्तर में उत्पन्न होने वाले मनु तथा सनातन धर्म के सतपुरुष के संतों के धर्म का वर्णन जिसमें किया गया उसे मनवंतर कहते हैं। इसलिए राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने स्वयं भी मनु के वंश का विस्तार वर्णन सुना है, अब आप अन्य मनुओं के वर्णन सुनाओ तथा श्री
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 मनु होते हैं। इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभु मनु, दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वरचित मनु, तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तान नाम के मनु, और चौथे उद्यम के भाई तामस मनु। और इस मन्वंतर में भगवान श्री हरि अवतार धारण करके ग्रज और ग्रह का उद्धार करते हैं। कहते हैं भगवान श्री हरि, राजा परीक्षित पूछते गुरुदेव, गजेंद्र तो एक पशु था, फिर भी भगवान ने प्रतिभक्ति कैसे हुई? भगवान श्री हरि ने किस प्रकार उनकी रक्षा की, सब बताने की कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, क्षीर सागर में घिरा हुआ एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और कहते वह बहुत बड़ा है। कहते समुद्र के बीच में क्षीर सागर मने भगवान जहाँ रहते हैं वह क्षीर, कहते बहुत बड़ा है वो तो, और उसी में एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और उसके पर्वत की तलेटी में कहते एक गज रहता है अपने सैकड़ों हाथनियों को साथ में, और वहां पर कई पुण्य आत्मा धर्मात्मा संत लोग तपस्या करते भजन करते कई प्रकार कहते वहां रहते हैं। उसी पर्वत के चलेटी में कहते विशाल गजेंद्र अपने साथी हथनियों के साथ विचरण करता रहता था, और वह उसी में जंगल में घूमता रहता, और वह अपने हथनियों सैकड़ों हथनियों के साथ बोले हजारों हथनियों के साथ घूमता रहता। एक दिन गर्मी का समय था, और वह उस तलेटी में एक बहुत बड़ा सरोवर था। वह अपने कहते पानी भी पीने गया अपने परिवार के साथ। अब ये तो क्योंकि इसको देखकर ही बड़े बड़े जानवर भाग जाते थे, शेर तक भाग जाते थे जब ये, क्योंकि वो अपने आप को पूरा जंगल का राजा मानता था। वहाँ कहते जिधर चलता ना बड़े बड़े जानवर भागकर दूर चले जाते थे, क्योंकि इतना हर्षपुर था। अब एक दिन गर्मी के समय उस तालाब में कीड़ा करते हुए पानी पी रहा, अपने परिवार के साथ पानी पीने उतर गया, सबको निलाए, सब बारे बारे से कभी इधर सूंड से पानी डाला बच्चों पर, कभी अभी पत्नियों पर, इस प्रकार हाथ प्रयास करते करते, और ऐसा हुआ कि अचानक वह जो जल में ग्रह रहता था, अब वह ग्रह को देखा नहीं गया क्योंकि पूरा मस्ती करता था ये पूरा। उनने कहा भाई मेरे घर में आकर के हो और हमारे घर को ही बर्बाद कर रहा, तो वह ग्रह को क्रोध आ गया, और उस मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी का पैर पकड़ लिया तो सोचा कोई होगा जीव जंतु होगा छोड़ देगा, क्योंकि मैं तो बलवान हूँ मेरे सामने कौन। अब वह पैर पकड़ कर रखा, अब रखने के बाद में जैसे ही वह आगे पीछे करता तो वो धैर्यता इसे बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने कहा मेरे से टक्कर लेगा। इसने जोर से गुस्से में और हेज कर लाया किनार तक, कहते किनार पे लेकर आया और खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ तो वो मगर ने फिर उसे बीच में फिर हेज कर ले गया, क्योंकि मगर का ताकत पानी में तो बढ़ी जाती है, क्योंकि कितना भी बलवान है बाकी पानी का जीव है। अब इस प्रकार कहते सैकड़ों कहते बहुत दिन तक बोले लड़ाई चलती रही, फिर भी वह छोड़ा नहीं। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी लोग बच्चे लोग कहते बोले स्वामी बोले अब तुम तो जा ही रहो, बोले हम क्यों तुम्हारे पीछे मरे, बोले हम तो बोले जाए खाए पिए कुछ, इतने दिन से भूखे ही खड़े हैं, बोले न पानी तो पिया बाकी भोजन नहीं करा, इसलिए प्रभु बोले हम अब तुम अपनी रक्षा आप ही करो, बोले हम जाते, बोले एक एक दो दो सब धीरे धीरे सटकते रहे जाते रहे। हाथी का अरे बोले तुम कहाँ छोड़कर जा रही हो, तुम कैसी हो, बोले मेरी पत्नी हो, बोले तुम मेरे बच्चे हो मेरे बहू हो, कोई किसी की सुन नहीं रहा, बोले सब धीरे धीरे नंबर बना करके और सब चले गए। अकेला गजराज ही खड़े हैं, नेत्र से आंसू टप रहे टप टप गिर रहे, बोले ओहो आज मुझे पता लगा कि कौन किसका है, बोले ना कोई बाप है ना बेटा है ना कोई माँ है ना कोई, अगर तुम्हारे पास अगर धन है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कोई नमस्कार ना कोई चम। अब इस प्रकार वह बेचारा परेशान हो गया, और परेशान होकर के एक ही याद आई उन्होंने कहा, क्योंकि अब तो जो परवरदिगार है जिसने इस सृष्टि को बनाई ना वही मेरी रक्षा करे, बोले अब बोले मैं किसको पुकारूं, क्योंकि न मैं तो नाम तो जानता ही नहीं,
बस मैं ये जानता हूँ कि ये सारा संसार बनाने वाला कोई तो है जो मजबूत होगा, उसी उसी को पुकारता है। हमें कहते उसी को पुकारता है। अब है कहता है परमात्मा, कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना कोई दिखता है। कहते जो इस विश्व को जिसने बनाया वही परम आधार बोले मेरी रक्षा करे, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। बोले इस प्रकार कई कहते आप तो अजन्मा हो, ना आपका जन्म का पता है और ना आपका रहने का पता, क्योंकि आप तो वह पराशक्ति हो, परम ब्रह्म हो, और आपको कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी ध्यान लगाते हैं, उनके ध्यान में आप कृपा करो, अगर सदगुरु कृपा करे तो आते हो, अन्यथा सालों हजारों साल तक बैठे रहो, बोले कुछ नहीं होता। इसलिए प्रभु इस बोले संसार को जो जिसने बनाया है, पेड़ पत्ते जिसने बनाए, वही मेरी रक्षा करो। इतना कहा तो इधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि बोले नाम अगर ले तो हम जाएं, अब किसका नाम है क्या, सब गफलत में पड़ गए। शिव जी कहते बोले हमारा नाम लिया नहीं, हम क्यों जाएं। अब वह सारे देवता इसी प्रकार सोच रहे, अब भगवान ने कहा भाई जिसका कोई नाम नहीं है वो मैं ही तो हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है अजमना अजन्मा। इसलिए भगवान को जैसे ही उसने स्तुति करी, और वैसे ही कहते भगवान है ना अपने गरुड़ पे उड़ करके और उड़ने लगे, और जब गरुड़ भी कहता कुछ पल के लिए देरी करी तो भगवान स्वयं कहते गरुड़ को भी छोड़ दिया और स्वयं भागे, और भागे और मन की गति से उस गज के सामने जाकर के, और जैसे ही वो गज ने देखा ना वैसे ही गजराज ने एक फूल तोड़ लिया। बोले हे श्री हरि, बोले मेरी रक्षा करो, बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लो बोले एक फूल है और ये फूल चढ़ाता हूँ। बोले उस तलाव में एक कहते कमल का फूल खिला हुआ था, वही तोड़कर भगवान ने कहते अब तो जीवन हारे। बोले हे नाथ, बोले अब तो बस मरने वाला हूँ। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन फूल अर्पण करा, और भगवान ने जो हाथी की सूंड पकड़ी और किनारे पर हेज दिया। हाथी आया उसके साथ में वह कहते ग्रह भी आ गया, बोले मगर भी आ गया। तो सबसे पहले भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और मगर के मुंह को फाड़ दिया और हाथी को आजाद कर दिया, पैर छोड़ दिया। तो यहाँ बताते हैं कि भगवान का जो भक्त है, और उस जैसे बत्तासुर ने कहा ना कि बोले भगवान मुझे आप अपने भक्तों को भी भक्तों के कहते चरण धूलि बना देना, तो बोले वही मैं बनना चाहता हूँ बोले प्रभु। तो कहते हैं
जो आप भक्त लोग हैं ना, कहते हैं आप अगर भक्त के भी अगर सेवा तुम्हें मिल जाए तो अपने आप को धन मानना और सेवा करना, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही तो आप लोग आश्रम में आते हैं ना। जैसे यहाँ भगत लोग जो रहते हैं परमानेंट आते हैं, उनके जरिए दूसरे भगत भी बोले बहन कहाँ जा रही हो, तो कहते हम अपने गुरुजी की कथा हो रही है, हरिहर आश्रम में जाना है, तो फट से विचार चलो बहन तुम भी कथा सुनो, हमारे गुरुजी के यहाँ संतों के बड़े संत रहते हैं और दर्शन होते हैं, बड़ी सेवा होती है। तो इस प्रकार आप लोग लेकर आते हो ना, और वो भगत लोग भी आते हैं, क्योंकि भाई सबका आश्रम है। ये नहीं सोचना कि महाराज हम तो यहाँ से जुड़े नहीं हैं, हमारे लिए तो सब बराबर है। कोई अनजाना भी होगा ना तो वो भी उसको लगेगा ना कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, क्यों, यहाँ तो साधु संत रहते हैं भाई, ये संतों का स्थान है, और संत के लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया, सब अपना है। हाँ, इसलिए यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आए हम तो सबसे प्रेम से बोलते हैं, इसलिए ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं कथा हो, भगवत हो, सेवा हो, तो अपने बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गुरु स्थान तो वहाँ है, यहाँ क्यों सेवा करें, हमारे गुरु जी तो इलाहाबाद में रहते हैं, हमारा गुरु जी तो लंदन में रहते हैं, यहाँ क्यों सेवा करें। कई भक्त के मन में ऐसा आता है ना कि बोले हम क्यों सेवा करें, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी संत आए तो सब हमारा है, कोई भी भगत आए तो हमारा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है संतों की, हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया और यही बात हम लोग तुमको भी सिखाते हैं। जब इस प्रकार वह तो कहते महाराज, वह कहते ये जो गज और ग्रह पूर्व जन्म में कौन था, क्योंकि जो इस प्रकार इनका भगवान ने उद्धार करा, तो सुखदेव जी कहते परीक्षित पूर्व जन्म में यह हु नाम का गंधर्व था, और जब इन्होंने कहते देवल ऋषि कहते स्नान करने जाते सरोवर में नदी में, कोई तो कोई भी जाए ना तो ये सबका पैर पकड़ ले, कभी किसको डराए कभी किसको डराए, बड़ा इसको अपमान था अपने स्वरूप पर। अब एक दिन देवल ऋषि गए नहाने के लिए, और वो जैसे ही डुबकी मारी और निकले और पीछे से पैर पकड़ लिया, कहते पैर पकड़ लिया और डरा दिया, एकदम ऋषि डर गए और ये फिर निकल गया, महाराज प्रणाम ऐसा करा। मुन्ना का कितना ढीठ है, बोले ये कोई प्रणाम करने की, बोले ये महाराज प्रणाम, अरे प्रणाम कैसे करे जाता, क्योंकि जो संतों के साथ में रहता है ना, जो गुरु आचार्यों के साथ में रहता है, ये सब सिखाता है कि कैसे प्रणाम करा जाता। अब ना समय देखा ना जगह देखी, महाराज पीछे से आए, महाराज प्रणाम ही हंसने लगे, ये कोई प्रणाम थोड़ी होता, प्रणाम कैसा करा जाता, दंडवत कैसे करा जाता। गुरु जी कहते थे ना कि डंडे की तरह सीधे होकर लेट जाओ और ऐसे लेटो और ऐसे करा जाता, वैष्णव में ऐसे बताते हैं, क्योंकि आप लोग अगर संतों के यहाँ रहते हो, ब्राह्मणों के यहाँ, तो इसलिए जब है ना संतों की सेवा करोगे तो ये सब पता लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण बालक जब गुरुकुल में पढ़ते हैं ना, गुरु लोग सिखाते हैं, वह आचार्य लोग सिखाते हैं कि कैसे कर्म करना, कैसे गायत्री करना, कैसे पुरुषन करना, कैसे हरदन्यास कन्यास ये सब करना चाहिए, तो ये सब गुरु लोग बताते हैं, ये आचार्य लोग बताते हैं विद्यार्थी को। तो ये अब उसने ऐसे ही करा, बोले महाराज निकल करके डुबकी से निकला, महाराज ऐसा करा, तो उस ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा बड़ा उज्जैन, बोले जा, बोले तू है ना सदैव बोले ऐसे ही पैर पकड़ते रहे, बोले जा, बोले मगरी बन जा, बोले मगर बन जा और ऐसे ही पैर पकड़ते रहना। वह रोने लगा, थर थर कांपने लगा, बोले महाराज बोले मेरे जो गलती हुई उसे क्षमा करो, बोले तो कहते जा आगे जब श्री हरि कृपा करेंगे और तेरे किसी का पैर पकड़ लेना तो तेरा उद्धार हो जाएगा। अब उसने गज का प्रेल पकड़ा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया पैर पकड़ करके। इसके बाद में सुखदेव जी इसी प्रकार के पकड़ते रहना। परीक्षित ये गज पूर्व जन्म में इंद्रधमन नाम का राजा था, यह कहते राजपाट छोड़कर वन में चला गया, भजन करने लगा। अब भजन करते करते कहते काफी दिन हो गया, एक दिन शिष्य मंडली के साथ अगस्त मुनि जा रहे थे। अब ये राजा था,
अब ये राजा था और महात्मा जंगल में भजन करने कर रहा था, महात्मा बनकर के भजन कर रहा था। अब जैसे ही अगस्त्य ऋषि गए ना तो आंख बंद कर ली। अब आंख बंद कर ली तो संत को बड़ा क्रोध आया कि देखो श्रेष्ठ जन जाए, बड़े लोग जाए और उनको प्रणाम नहीं करे तो एक पद्धति थोड़ी है कि तुम्हारे सामने माता पिता खड़े और आप आंख बंद करके बैठे रहो, तो ये नहीं। गुरु महाराज आ जाए और हम माला जाप करते रहे ये ठीक नहीं है। तो उनको क्रोध आ गया, बोले अरे बोले नालायक, बोले तू हाथी की तरह बैठा, बोले बोले तुझे पता नहीं, बोले कि तूने देखा नहीं कि गुरुदेव सामने आ गए, संत आ गए, ब्राह्मण आ गए, आचार आ गए, गौ माता आ गई, प्रणाम नहीं करेगा, बोले ऐसा बैठा जा हाथी की तरह जा, तू हाथी बन जा, बोले हाथी बन गया। और फिर भगवान ने कृपा करी श्री हरि ने और उस हाथी का भी उद्धार करा। तो इस प्रकार ये भगवान श्री हरि का अवतार। बोलिए श्री हरि हर भगवान की जय। हम अपने हरिहर भगवान की बोले ना, हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी है, क्योंकि इधर हरि है तो उधर हर है, सामने देखो ना बाबा जी बैठे हैं उधर सामने ताड़केसर महादेव। जब इस प्रकार उनका कल्याण करा, इसके बाद में मेरे कहते हैं, अब ये भजन रहने दो, कहते मेरी छोटी सी संसार हरि आ जाओ एक बार गाना। हाँ क्योंकि अब कथा है भाई, हमको आगे कथा करना, ऐसे ही हम तीन चार घंटे पीछे चल रहे, क्योंकि इधर उधर की कथा सुनाते हैं ना, अपने आश्रम की भी, संतों की भी, अपने भक्तों की भी, कि भाई यही तो कथा है कि अच्छे से करो, अच्छे से समझ में आए, ऐसे नहीं कि इधर से दौड़े उधर इधर, ये सब ठीक नहीं। क्यों हमारा देसी काम है, अपने घर घर वाले हैं भाई, परिवार वाले हैं हम लोग तो, क्योंकि परिवार के हिसाब से ही करते हैं। और जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो श्लोक और ये और वो बताते हैं, हम लोग देसी है, देसी हमारा काम है और हमारे भगत भी देसी है, उनको भी भरोसा है कि हमारे गुरु जी मैंने इसलिए क्यों भाई सही बोलो ना। अभी सुशांत मुनि कहते हैं बोले सब सब जगह पता लग रहा अरे जो सत्य है वही तो पता लग रहा इसलिए हाँ। फिर आगे इस प्रकार कहकर परीक्षित कहते महाराज, बोले इस प्रकार आपने कहते कहते सारे राजाओं की वर्णन सुना रहे, कहते राजा राम का वर्णन तो सुनाओ, क्योंकि सूर वंश का वर्णन सुनाओ, क्योंकि कई राजा क्योंकि कई ऐसे, तो इसलिए बोले बोले सूर वंश का वर्णन सुनाओ। कहते जो कहते जिसमें भगवान राम हुए, कहते ये सारा बोले आप कृपा करो और वो वाला सुनाओ, बोले ताकि भगवान अवतार लें, क्योंकि ये तो तपस्वी राजाओं का सुनाया, ऐसे राजा का सुनाओ जहाँ पर चकाचक माल घुटे और ठाकुर जी का जन्म हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक। तो नौवे स्कंद ईशान कथा कहते हैं, कहते इससे भगवतः कथा तथा ये कहते भक्तानम च कथा ईशानु कथा, जहाँ भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों की कथा वर्णन किया गया उसे ही ईशानु कथा कहते। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते, गुरुदेव राज ऋषि सत्यवत से इस कल्प में बेजबत मनु अनेक पवित्र वंश का वर्णन करो। सुखदेव जी कहते सुनो महाराज परीक्षित, मैं तुमसे मैंने शॉर्ट कट में बताता हूँ, सैकड़ों वर्ष में मनु वंश का वर्णन विस्तार करते रहो तो भी नहीं होगा, क्योंकि अनेक राजा हुए, अगर ऐसे करते रहोगे तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कहते कहते महाराज परीक्षित में तुम्हें मैंने शॉर्टकट में बताता हूं, मैंने छोटे में कि समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का कहते प्रदुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी के मन में मरिचि और मरिचि के पुत्र कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के द्वारा कहते विश्वान सूर कहते नारायण भगवान का जन्म हुआ। तो विश्वान की सज्ञा नाम की पत्नी से श्रद्धा देवी मनु और यह श्रद्धा देवी विश्वान मनु की पुत्री होने के कारण बेस्वत मनु कहलाई। जब बेस्वत मनु की कोई संतान नहीं तो उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रार्थना की, क्योंकि महाराज बोले ऐसा कोई आशीर्वाद दो जिससे कहते पुत्र प्राप्त हो। अच्छा ये सूर वंश में एक बात और बताओ महाराज, क्योंकि
यज्ञ करने से ही पुत्र की प्राप्ति हुई बोले, क्योंकि ऐसे कई राजा हुए जो यज्ञ करने से ही बोले प्राप्त हुई इसमें, इसलिए यज्ञ करो और तब पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कहते मनु, कहते इस प्रकार कहते वह, कहते मनु की पत्नी श्रद्धा देवी चाहती थी कि मुझे कन्या हो, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे दी। बाद में पुत्री का संकल्प कराया, जिससे समय आने पर एक कहते ईला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। पुत्र उत्पन्न होना था, बाकी रानी के कहने से पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि देखा समझ गए कि किस कारण पुत्री हुई, क्योंकि वह रानी ने ब्राह्मणों को धन दे दिया था। अब ब्राह्मणों ने पुत्री का संकल्प कर दिया, आहुति दे दी, तो पुत्री हो गई। परंतु तुम दुखी मत हो, कहते महाराज मैं अपना तपोबल से उसे पुत्र बना दूंगा, क्योंकि मैं भी कम नहीं है, क्योंकि वह तो राज ऋषि थे, भगवान नारायण की आराधना की जिससे वे पुत्र सद्युम्न नामक का पुत्र के रूप में परिणित हुआ। जब यह सद्युम्न बड़ा हुआ शिकार खेलने वन में गया और उत्तरा की ओर, तो इलावृत खंड में चला गया और वहां पर कहते भगवान शंकर का श्राप था कि जो भी यहाँ आएगा वह स्त्री बन जाएगा, यह श्राप था। अब इलावृत खंड है ना, आसाम तरफ है, हाँ बाबा जी गए हम नहीं गए, तो इसलिए कहते वह स्त्री बन गए। अब यह स्त्री बन गए तो एक वन से दूसरे वन भटकने लगी, चंद्रमा के पुत्र की दृष्टि पड़ गई इस पर, कहते दृष्टि पड़ गई, दोनों एक दूसरे को मोहित हो गए और आपस में विवाह कर लिया, जिससे पुरु नाम का एक पुत्र हुआ। और सद्युमन एक बार दुखी होकर ऋषि वशिष्ठ के स्मरण किया, ऋषि वशिष्ठ ने सद्युमन के इस दुर्दशा को देखा, भगवान शंकर से प्रार्थना की, उस प्रार्थना को भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये भटकने लगा, कहते कभी नारी हो जाए कभी कुछ हो जाए, इसलिए बड़ा दुखी हो गया। अब वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर से कहा, इसे कहते इसे इसका पुरुषत्व प्रदान करो बोले प्रभु। तो भगवान शंकर ने कहा यह एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने नारी रहेगा, यह पुरुष मन इस प्रकार रहेगा। अब यह आशीर्वाद तो दिया, बड़े परेशान हो गए, उन्होंने कहा यह क्या चक्कर, एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष, वह परेशान रहने लगा। और वो कहते जिससे वह राज छोड़ करके और कहीं और चला गया, उन्होंने कहा यहाँ रहेंगे तो और परेशान करेंगे, सब लोग जानते हैं, कभी भाभी बोलेंगे कभी भैया बोलेंगे, इसलिए बेचारा उन्होंने कहा दूसरे राज में चले जाऊँ। फिर वहाँ कहते वो चला गया वहाँ, तो यहाँ संतान के ना रहने पर वैश्वत मनु को भगवान नारायण की आराधना की, जिससे इच्छवक नाम कहते इच्छवक नग सयाति कहते दृष्टि धृष्ट करुष नरसिंहंत पुरु नाभाग और कवि नाम के 10 पुत्र हुए। राजकुमार कहते प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गाय की सेवा करने लगे। एक दिन रात्रि को एक सिंह ने गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया और सी को मरने के लिए अंधेरे में कहते प्रबंध ने तलवार चलाई और जैसे ही सी को मारा वैसे ही वह गाय पर चल गई, सी तो चला गया और गाय मर गई। वशिष्ठ जी को जब यह पता चला तो तुमने शूद्र की तरह काम किया, इसलिए तुम शूद्र हो जाओ। तो प्रसुद्ध ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, वन में चला गया और भगवान की आराधना कर भगवान को प्राप्त कर ली। फिर इधर कहते सुकन्या का चरित्र, कहते सयाति की पुत्री सुकन्या का चैवन मुनि से विवाह हुआ, सयाति की पुत्री अनंत हुई, अनंत से रेवत का जन्म हुआ, रेवत से पुत्र कुकुक्ष हुआ और कुकुक्ष से रेवती का जन्म हुआ, जिसका विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए बलराम जी के साथ हुआ। कहते तो ये भी रेवती को तो जानते ही हैं, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी, फिर बलराम जी ने उसको हल से छोटी करी, क्योंकि वो तब की थी और द्वापर की बात है। तो कहते परीक्षित मनु पुत्र नाम के पुत्र, कहते महाराज नाभाग के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित मनु पुत्र नाभाग के पुत्र नाभाग हुए। जब नाभाग विद्या अध्ययन करने लिखे गुरुकुल गए थे तो इनके भाइयों ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और कहते जब लौट कर आए तो उसके कुछ नहीं मंगा, कुछ नहीं मिला। कहते हिस्सा मांगा तो कहते तुम्हारे हिस्से में बोले संपत्ति के रूप में पिताजी है बोले, बाकी तो सब हमने बांट लिया। जब इस प्रकार कहा तो नाभाग अपने पिता को लेकर वन आ गया। नाभाग बड़ा विद्वान था, उन्होंने वन में ऋषियों को यज्ञ करते हुए देखा तो नाभाग से कहा बेटा यह ऋषि छठवें दिन के यज्ञ में मंत्र भूल जाएंगे,
तो आप जाकर बता देना, क्योंकि फिर बता दोगे ना तो तुम्हारे फिर माला माल हो जाओगे, क्योंकि ये उनको पता था ना, इसलिए तुम बेशक कहते इसलिए तुम वहां चले जाना। अब नाभाग ने जब ये युक्ति उन ऋषियों को बताए आए तो ऋषि प्रसन्न हो गए, बचे हुए धन नाभाग को दे दिया, जिसे लेकर नाभाग आने लगा। उत्तर दिशा की ओर एक पुरुष प्रकट हो गया, काल पुरुष, कहते एकदम भयंकर पुरुष, भगवान का ही स्वरूप था शंकर का, भगवान शंकर का। कहा यज्ञ में बचा हुआ धन बोले कहाँ ले जा रहे हो, तो कहते महाराज नाभाग ने कहा ऋषियों ने यह मुझे दिया इसलिए धन मेरा है। तो उस पुरुष ने कहा अपने पिताजी से पूछ कर आओ कि यह धन किसका है, हवन में जो कहते करते ना, बोले ये किसका है, बोले अपने पिताजी से कहो। पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा बोले महाराज ये जो बचा हुआ धन है ना बेटा भगवान शंकर का होता है, इसीलिए कहते हैं तभी तो वो यज्ञ में बचा हुआ, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा था वहाँ से जो बचा हुआ यज्ञ का सामान है ना वो भगवान का हो जाता, तब से ये निश्चित हो गया था बेटा दक्ष प्रजापति ये यज्ञ निर्णय हुआ था उसी समय ये बात हो गई थी। नाभाग ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा प्रभु उस धन में मेरा नहीं है, आपका अधिकार है। भगवान शंकर नाभाग की सत्य निष्ठा प्रसन्न हो गए, उन्होंने ब्रह्म तत्व को उपदेश दिया और अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार कहते हैं भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र है, अम्बरीश की कथा जानते ही हो आप लोग। इसके बाद में कहते हैं इसलिए जो मोह से हट करके मोक्ष की प्राप्ति करता है कभी वह कहते हैं भगवान के चरण, इसलिए कहते हैं वह इंद्रियां को बहिर्मुखी नहीं होने देता, क्योंकि संतों की सेवा से, संतों की सेवा से इंद्रियां, इसीलिए तो कहते हैं बार बार संतों के पास हम जाते हैं कि हमारी इंद्रियां इधर उधर भागे तो हमारे मन में तुरंत वह ध्यान आ जाए, क्योंकि संतों के यहाँ जाने से हमें ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार कहते राजा हरिश्चंद की कथा आती है, कहते राजा कहते परीक्षित मानधाता के वंश में त्रिशुक पुत्र हरिश्चंद हुआ, क्योंकि त्रिशुक वही जो घूमता था ऊपर वही है, हमारे भगत लोग भी जानते हैं और वैसे मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो कहते वह इस प्रकार कहते राजा सगर का चरित्र, अब परीक्षित रोहित के वंश में बाहु का जन्म हुआ, जब शत्रुओं ने इसके राज छीन लिया तो यह अपनी पत्नियों से वन में चला गया और वहाँ वृद्धावस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ उनकी छोटी रानी गर्भवती थी, वही सती होने लगी। जब ऋषियों ने कहते और का यह मालूम हुआ कि रानी गर्भवती है तो उन्होंने सती को होने से रोक दिया, संतान कहते वह रोक दिया, गर्भ महाराज संतान है तो जलने के मरने से बोले ये इस प्रकार बोले अच्छा नहीं है, क्योंकि जल के मरने से कहते तुम्हें पता नहीं तुम्हारे गर्भ में संतान है, परंतु गर्भ शिशु पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ, इसीलिए कहते वह अपने क्योंकि दूसरी रानियों ने विष दे दिया था, अब विष है ना उसके मुंह में नहीं गया और वो यहाँ पर रखा गया जो विष दिया था। तो कहते परंतु गर्भ में शिशु पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समय आने पर वह जब उत्पन्न हुआ तो अपने साथ विष लेकर हुआ, जिससे उसका नाम सगर पड़ा, सगर का मतलब विष होता सागर। कहते महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, इनकी सुमति नाम की पत्नी से 60,000 संतान हुई। अब वह अपने पूर्वज का उद्धार करने के लिए महाराज भागीरथ के गंगा धरती पर लाने लगे, क्योंकि वह कहते सगर के 60,000 पुत्र थे ना, जब कहते वह कहते यज्ञ होने लगा, सगर ने यज्ञ करा और यज्ञ का घोड़ा चुरा कर इंद्र ने कहते वह ऋषि के यहाँ बांध दिया था। गंगा यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपी मच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जय जय बोलिए गंगा महारानी की जय हो। तो गंगा कल बताया था ना गंगा जल का विषय में कि गंगा जल का कितना महत्व है, कई भगत तो आए नहीं थे तो उन्हीं का घाटा है, हम क्या करें। अब आज थोड़ी बताएंगे, आज तो यही बताएंगे थोड़ी महत्व कल, इसलिए कहते हैं गंगा गंगा हर हर गंगे हर हर गंगे। कहीं दुनिया में रहो चाहे नल पे स्नान करो या कुआं में स्नान करो, आप अगर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें ना तो कहते गंगा जी का वह पुण्य मिल जाता है, इसलिए गंगा वह महान है जो
कहते मृत्यु लोक को प्राणियों को कहते भगवान के धाम को लिए पहुँचाती है। इसलिए गंगा देवी को हम गंगा माता को प्रणाम करते हैं और वह राजा परीक्षित इली भागीरथ के वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए और खटवांग के इतने पारक्रमी थे कि उन्होंने देवताओं को प्रार्थना करने पर देवताओं की ओर से कितने कितने देवताओं से युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त कर पश्चात जब उन्होंने मालूम हुआ कि मेरे आयु मात्र दो घड़ी की है बची तो इन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिया और महाराज कहते खटवांग कहने लगे बोले महाराज जब कहते देवासुर संग्राम हुआ ना तो उस संग्राम में कहते देवताओं की बड़ी मदद करी खटवांग ने। अब ये सब होने के बाद में और जब आए ना तो यह समय बदल गया क्योंकि वहाँ का समय और यहाँ का अंतर है। अब पूछने लगे बोले महाराज बोले ये तो द्वापर चल रहा है बोले पता नहीं कितने युग बीत गए। जब इस प्रकार बोला तो बोले प्रभु ये बताओ कि बोले मेरे उम्र कितनी है। तुमने कहा बोले महाराज बोले दो घड़ी की उम्र है। इतना कहा और इतने में वो राजा कहते बोले महाराज बोले अब मुझे दुनिया से क्या मतलब है बोले मुझे तो भगवान की प्राप्ति कराओ यही बोले सबसे बड़ा बोले यही मांगता हूँ। इतना कहा तो देवता लोग फूल बरसाने लगे बोले वाह राजा बोले तेरे जैसे राजा तेरे जैसे मनुष्य होना ही बड़ा कठिन है। जो कहते हैं सब कुछ है फिर भी तुमने भगवान का भजन मांगा। तो इसी प्रकार वह कहते दो घड़ी में ही भगवान का भजन भगवान की प्राप्ति कर लिया। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र रघु और रघु के आज कहते अजय और आज के पुत्र राजा दशरथ हुए। बोले अब राम जी आने वाले हैं भाई अब सब तैयार हो जाओ माल पानी लेकर के क्योंकि बधाई वगैरह होगी ऐसे कह करके भगवान राम का कहते राम कथा कहते हैं राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई एक बार दशरथ कहे कोडिन यज्ञ फल देनु सरु संत हिजे लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल भय प्रकट कहते भगवान है ना कहते विप्र धेनु सुर और संत बाद में संत का नाम लिया। संत का नाम क्यों लिया भाई पहले लेना चाहिए ना तो संत भगवान बड़े होते हैं लेकिन नहीं क्योंकि संत आधार है इसलिए संत का नाम बाद में लिया क्योंकि इन कहते विप्र और धेनु और मनुष्य का कहते यही संत लोग शिक्षा दीक्षा देते हैं कि संत लोग तो गाय पालते हैं ना क्योंकि गौ पालने के लिए आश्रमों में देखो अब दुनिया में गौ है नहीं और बाबा लोग के लिए गौ है जैसे अपने आश्रम में कितनी गौ है बड़ी गाय है लोग है ना। यहाँ तो ज़्यादा प्रचार नहीं है बाकी यहाँ गौ की सेवा करना चाहिए क्योंकि ये तो हमारे राधा कृष्ण जी हैं जो गौ माता की सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारे संत लोग हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि हरिहर आश्रम में गाय रहती है जब इधर से खुलती है ना उछलती कूदती जाती है तब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण पीछे पीछे आ रहे हैं और गौ माता आगे आगे दौड़ती हुई जा रही है ऐसे लगता है। हाँ गौ ऐसी हमारी बाकी ठीक है ये तो जर्सी गाय है देसी गाय होना तो उसकी बातें कुछ आनंद होती है क्योंकि मैं देसी गाय प्रसन्न करता हूँ इनको देखता हूँ जरूर हूँ बाकी उतना प्रेम नहीं करता दूर से प्रणाम करता हूँ क्योंकि देसी गाय का स्वरूप और इनकी आनंद ही कुछ और है। इस तो भगवान राम ने कहते मतलब इस प्रकार कहते अधो राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कंचनम वेदैहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वालीने गृहं समुद्र तरणम लंकापुरी दानम
पश्चात् द्रवणं कुम्भकरणं मेदन्ति रामायणम्। बोले पूरी रामायण हो गई चार चौपाई में। तो इस प्रकार भगवान राम 12 बरस तक चित्रकूट में निवास किया, क्योंकि भगवान का जन्म मैंने कहते जन्म होता है ठीक है। अब कहते अब वह ऋषि ने यज्ञ करा, यज्ञ करा भय प्रकट कृपा। हाँ अरे अभी थोड़ा ठाकुर जी की भूमिका बनाने दो, तभी तो आएंगे ना। अभी नहीं तो लोग बोलेंगे कि ना कहते ना कोई माता जी आई ना कोई आई और अचानक कहाँ से टक पड़े, इसलिए हाँ उनको पता तो लगा ना कि किसके पुत्र हैं, कौशल्या के हैं कि सुमित्रा के हैं। अब इधर कहते चेवन ऋषि ने यज्ञ करा, यज्ञ में चारु की उत्पत्ति हुई, मैंने खीर उत्पत्ति हुई और होने के बाद में कहते गुरु लोग ने वशिष्ठ जी ने सारे गुरु लोग थे ही वहाँ पर, कहते यज्ञ हुआ पुरस्तृति यज्ञ। तो बोले सिंह ऋषि आए, सारे ऋषि वही थे ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं तो सारे ऋषिगण है क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। और यह ऋषि भारत के महान सारे ब्राह्मण सारे संत बोले भेले हो गए। होने के बाद में कहते वह रानियों को कहते कौशल्या को सुमित्रा को और कहते वह तीनों रानी को कहते दोनों रानी को तो पहले दे दिया, अब तीसरी रानी बच गई तो थोड़ा थोड़ा उन्हें निकाल करके अपनी छोटी रानी को भी दे दिया। मैंने चारों कहते दो रानी को आधा आधा और दोनों ने आधा आधा निकाल करके अपनी सुमित्रा को दे दिया ठीक है। अब दे दिया, देने के बाद में कुछ दिन हुआ, अब देखते महल में बड़े प्रसन्न हो गए कि अले लाला आने वाला। बोले दशरथ जी को बताए, बोले महाराज बोले अब बोले बस अब एक दो दिन ही बाकी है। बोले ऐसे करते करते अरे समय आ गया, अब ठाकुर जी है ना राम जी है ना वहां आकर के और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कौशल्या से कहने लगे बोले किवाड़ बंद कर लो, बोले नहीं तो देख लेंगे अभी, क्योंकि बाहर वाले को पता नहीं लगना चाहिए। तो कहते महाराज बोले आप आ गए, तो कहते हम आ गए, तो कहते हमने तो दो रूप की कहते दो भुजा वाले की तपस्या करी थी और आप चार भुजा बन करके आए। तो बोले ऐसा थोड़ी चलेगा, दुनिया वाले देखेंगे कि ये किसका पुत्र है, इसलिए प्रभु बोले आप है ना अपना दो भुजा हटा लो, दो भुजा आप है ना कम कर लो और दो भुजे में आओ, तभी बोले हम मानेंगे। जब इसलिए कहा तो वह प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा ठाकुर जी दो भुजा में आ गए। अब दो भुजा की जगह कहने लगे बोले तो कहले इतने लंबे बोले 15-16 फीट के, बोले कि बच्चा पैदा होता तो कितने बड़े होते, बोले उतने बड़े बन जाओ। अब भगवान ने कहा कि ये भी मुसीबत है, पहले कहती कि दो चार भुजा की दो करो, अब कहती छोटे हो जाओ। चलो भाई माँ है ना बात मानना पड़ेगा, क्योंकि इनने मनु सुतरूपा जब थे तो इनने वरदान मांगा था कि भगवान बोले तुम समान बोले मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई हम तुम्हारा जैसे कहाँ ढूंढे, क्योंकि हमारे अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो उनने कहा कि ठीक है, कहते माता पुण्य बोली सो मति डोली तजाऊं तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कहते बोले है ना अब तुम छोटे हो गए ना, अब बोले रुदन भी तो करो। बोले ठाकुर जी ने कहा गेट खोल दो, मैं चिल्लाता हूँ, बोले अब जोर से चिल्लाता हूँ। कहते वह चिल्लाने लगे सुन सुन अति लीला रोदन ठाना हो बालक सुर भूपा, यह चरित सो गावे हरिपद पावे यह। कहते इस प्रकार वह जोर जोर से क्या 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 कर वो चिल्लाने लगे और इधर सारे अयोध्यावासी को पता लगा, सबको पता लग गया कि अरे लाला भयो बोले दशरथ क्या लाला भयो, बधाई होने लगी और बधाई होने लगी। और इधर सारे अयोध्यावासी इधर प्रसन्न होकर के नाचने लगे और माया बधाई गाने लगी। बोले प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
लुटावे अन धन सुनवा राजा लुटावे अन धन सुनवा राजा लुटावे अन धन सुनवा राजा लुटावे अन धन सुनवा रानी लुटावे रुपया जनमलो रघुरैया मधु में बाजे बधैया लुटावे रुपैया मध में बाजे बधैया शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हर चिर जीवो चारु भैया मध में बाजे बधैया चिर जीवे चारु भैया मध में बाजे बधैया जीवे चारु भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया हो बधाई हो मुदित बधाई गावत सेवक मुदित गावत नाचत लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया नाच लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया होत निछावर राम लला के होत
निछावर होत निछावर हर राम लला की होत निछावर राम लला की होत निछावर दध माखन धन कैया जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सहनैया बाजे बधैया बाजे सहनैया जन्म लियो चारो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान का ठाकुर जी का जन्म हुआ, जो सारे अयोध्या वासी नहीं पूरे जीव मात्र को जब भगवान आए तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, ठाकुर जी अब आप दुष्टों का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ, इसलिए सारे देवता सारे कहते प्रजा में बड़ी खुशी की लहर है। कहते एक महीने तक कहते बधाई चलती रही राम जी की, और एक महीना तक महाराज बधाई देने वाले आते रहे, क्योंकि चार राजकुमार का जन्म हुआ इसलिए, और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का, इसलिए सारे प्रजा गदगद हो गई। कोई कुछ लुटाता है, कोई कुछ लुटाता है, कहते सब कुछ जितना कहते जितना लुटाए ना उतना दुगुना उनके घर अपने आप लक्ष्मी जी प्रकट कर देती है, क्योंकि जो कहते सारे ईश्वरों की स्वामी कहते जिसका जन्म हुआ, और कहते लक्ष्मी जी भी उधर आ गई, क्योंकि लक्ष्मी जी उधर आई तो इधर राम जी आ गए। तो कहते खूब लुटाए, जितना लुटाए, जहाँ कहीं कुछ लुटता है तो कहीं कुछ लुटता है, अब शाम को लुटाएंगे, क्योंकि माल तो शाम को लुटेगा, क्योंकि राम जी यहाँ से थोड़ा दूर है ना, वृंदावन पास में, तो पास में आनंद आएगा ठाकुर जी को, कभी भी पकड़ कर ले आओ, बोले ठाकुर जी इधर खड़ो उधर खड़ो, तो यह परम आनंद की बात है। वह सुखदेव जी कहते बोले बोले राजन बोले जब भगवान आए ना तो कहते नौ निधि कहते इस प्रकार कहते वह वर्षा कर रही है लक्ष्मी की, जिधर देखो उधर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, कोई गरीब है ही नहीं, क्योंकि राम राज में कोई गरीब नहीं, सब धनवान है, सब एक से एक पगड़ा बांधा, एक से एक कपड़े पहने, फेटे हीरे मोती के, सबने पगड़ियों में हीरे जवाहरत लगाए, और सब ऐसे लगते हैं कि राजा नहीं महाराजा ऐसे। तो जब उस प्रकार जब प्रजा इस प्रकार थी तो दशरथ राजा कैसे होंगे, तो इस प्रकार सारे भक्त लोग खूब प्रसन्न होकर के और नाच रहे गा रहे खुशी मना रहे कि हमारे ठाकुर जी आए भगवान श्री राम। कहते इसके बाद में ऐसी कहते भगवान आते से ऐसी माया लगी कि समय आया भगवान की शादी हुई, और शादी होने के बाद में क्योंकि केकई ने दो वरदान छोड़ रखे थे कि बोले राजन बोले समय आएगा तब मंगूंगा, क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था और
अनेक राक्षस थे उसमें, जहाँ तक कि रावण भी था। वह कहते लड़ाई करते करते एक दिन क्या हुआ कि दशरथ रथ उसका पहिया निकल गया। अब पहिया निकल गया तो सबसे पहले तो जो कहते भगवान जब 14 वर्ष वनवास गए ना, और संपाति और दूसरा भाई जटायु, कहते जटायु है ना, वह आया और आकर के राजा की बड़ी मदद करी। उसने राक्षसों को मार मार को भगाया। और इधर वह पहिया निकल गया ना, तो जो छोटी रानी थी उसने अपनी उंगली लगा दी, जहाँ बोले रथ के पहिया निकलने पाए इसलिए अपनी उंगली लगा दी केकई ने। और लगाने के बाद में वह राजा कहते बेहोश हो गए थे, तो रानी ने अपना खुद रथ चलाई और दूर ले गई। ले लाने के बाद में फिर उन्हें होश आया, होश आया तो उसने सारी कहानी बताई। तो वह जटायु से कहते बोले भैया तूने मेरे प्राण बचाए, तो तू तो मेरा भाई समान हो गया। बोले मैं तेरा उपकार कभी भूलूंगा नहीं। तो बोले मांग ले, क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बोले तू जो मांगेगा वही दूंगा। तो उन्होंने कहा राजन ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो है ना जब तुम्हारा बड़ा पुत्र कहते जन्म होगा ना, तो बड़े पुत्र का जन्म होगा तो वो मुझे दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। इधर वह रानी ने कहा कि महाराज बोले मांग लो दो वरदान, मांग लो दो बार कहा। तो बोले मैं दो वरदान मेरे गिफ्ट के रूप में तुम्हारे पास जमा है, और जब समय आएगा ना तो मैं आपसे मांग लूंगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वह दो वरदान रखे हैं। इधर शादी हुई, और शादी होने के बाद में भगवान तो कहते ससुराल में, और भरत जी वगैरह शत्रुघ्न और भरत जी कहते वहीं से अपने मामा जी के यहाँ चले गए, और भगवान इधर आ गए। क्योंकि भगवान इधर आ गए, राम और लक्ष्मण अयोध्या आ गए, और वो दोनों भाई अपने मामा जी के यहाँ चले गए, मनन ननिहाल में रुक गए। अब इधर केकई और केकई ने और मथुरा ने ऐसे व्यू रचना करी कि अरे बोले तुझे पता नहीं, बोले क्योंकि राजा रट लगाए रखे कि राम को राज गद्दी पे बिठाएंगे। तो बोले कैसी चाल चली इनने, बोले तेरे पुत्र को तो वहीं छोड़ दिया और ये यहीं आ गए। बोले तो बोले इनको राज गद्दी सुपुर्द कर देंगे, और तेरे बेटे हैं ना बोले धक्के खाते रहेंगे क्योंकि ये। तो बोले ऐसा कर, बोले तेरे दो वरदान है ना, वो दो वरदान मांग लेना। बोले तो उनने कह कि क्या, तो कहते एक वरदान तो ये मांगना कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, बोले इतना मांग लेना। उन्होंने कहा ठीक है बहन, बोले अब ये कह दिया। भगवान आए, पिताजी भी आए, सारे रहे। फिर वह कोक भवन में चली गई। कोक भवन में जाने के बाद में अब राजा ने सोचा कि भाई, क्योंकि पहले इस प्रकार का साधन था कि पत्नी रूठ जाए तो उसके लिए एक कमरा या बना देते थे, और समझ जाते थे कि रूठी हुई है। अभी जैसा नहीं है कि रूठ जाए तो टेढ़ा मुँह कर ले, रोटी नहीं बना, ये नहीं करे, उनको इशारा। हाँ, और एक दिन की नहीं, मतलब कई दिन तक चलता है भाई जब तक। हाँ, पहले का रूठना अलग था, राजा लोग मना लेते थे, मतलब जैसे रूठे 2-4 दिन में मना लेते थे। अब तो माइया रूठ जाए तो महीना 2 महीना साल हो जाती है, बड़ी बड़ी पति लोग को खर्च करना पड़ता। बोले फिर मानती कब है, जब वो व्रत आता ना कौन सा, तब मानती है। तो हाँ, अब चल रहे भोजन का हो गया भैया। हाँ, तो चलो मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ। तो इस प्रकार मैं वरदान मांग लिए राजा से। राजन बोले दो वरदान है मुझे दो। अब राजा ने कहा भाई कोई कुछ मांगेगी तुम दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिर वह कहती कि पहला वरदान बोले भरत को राजगद्दी,
और राम जी को 14 बरस का वनवास। जब इस प्रकार कहा तो वह राजन रोते रोते भूमि पर गिर गया। बोले अरे और कुछ मांग ले? बोले नहीं, बोले मैं यही चीज मांगूंगी, इसके अलावा दूसरा नहीं। अब क्योंकि वह उधर संपाति और इनका उद्धार करना था, ऋषि मुनि का उद्धार करना था, तो पहले से ये तो निश्चित था। क्योंकि बाबा कहते हैं वाल्मीकि जी ने है ना ये घटना पहले ही लिख दी थी, क्योंकि वेद तो भगवान ने लिखे ना, इसलिए सब पहले ही लिख दिया। वो तो घटना होनी थी, बाकी ये सब लीला करना था भगवान को। और कहते भगवान के विमुख जो रहते हैं ना, वो राक्षस बन करके पैदा हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए भी ऐसे भगवान ने 14 वर्ष वनवास स्वीकार करा और निकल गए। इधर दशरथ जी का प्राण चले गए, इधर भगवान है तो आगे जाते जाते कहते जो चले चलते हुए बोले कहते गंगा जी को पार करा। फिर इसके बाद में फिर वो चले गए अपने आगे तमसा नदी हरिहर बाबा की तपोभूमि है। हाँ ये अब ये तमसा नदी है ना, जहाँ भगवान ने पार करा, पहले गंगा जी को फिर तमसा नदी को पार करा। तो तमसा नदी के किनारे बाबा हरिहर ने तपस्या करी, आप लोग को बता दो, कई लोग नहीं जानते। तो बाबा हरिहर ऐसी तपस्या करी कि वो कुएं के अंदर, कहते सतयुग का कुआं है, तो उस कुएं में पहले नीचे पानी के जगह हिंदी में आलिया बोलते हैं, आला बना हुआ था, और वहाँ पर बाबा हरिहर ने तपस्या करी। कम से कम 14-15 साल तपस्या करी। फिर अचानक किसी लोग ने देख लिया कि कोई यहाँ है, देखा तो संत बैठे हैं, पैर पूरे सड़ गए और जीव पड़ गए, मांस सारा खा गए घुटने तक का। फिर गांव वाले ने सब प्रार्थना कर ली, बोले गुरुजी बोले आप यहाँ कब से है? बोले आप ऊपर आ जाओ और हम तुम्हारी सेवा करेंगे, आप प्रभु ऊपर आ करके रहो। फिर बाबा ने सबकी बात मानी हरिहर बाबा ने, और फिर वह ऊपर आ गए। फिर ऊपर बहुत बड़ा अच्छा आश्रम बनाया, फिर वह बाबा जी रहने लगे। फिर गुरुजी का फोन आ गया कि गुरुजी ने बुलाया, बोले चेला नाम तपस्या पूरी हो गई वहाँ की, तो आ जाओ। तो फिर गुरुजी चले गए कोटपत्ते, क्योंकि उनके गुरुजी वहीं रहते थे ना, हमारी बड़ी गद्दी, क्योंकि बाबा बसवदास की जो तपोभूमि है। तो वहाँ गए, गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने कहा कि भाई वहाँ तपस्या पूरी हो गई, अब तुम जाओ दिल्ली। कहते बाबा हरिहर भारत में कई जगह तपस्या करी, और ये बहुत उम्र थी इनकी, हम लोग नहीं जान पाए। तो फिर इसके बाद में फिर वो यहाँ आए, और यहाँ आकर के फिर बाबा जी यहाँ बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, छोटी सी कुटिया बनाकर रहे और तपस्या करी। फिर जिन लोगों ने देखा होगा कैसी तपस्या करी, कैसे क्या है, कई बुजुर्ग लोग बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि बाबा जी हमने भी देखा है। अरे भाई तुम्हारी अभी 50 साल की उम्र है, बाबा हरिहर को देखा हो तो पता नहीं, ये तो कह नहीं सकते। अब देखो ऐसे ही कई संत तड़ी भी मारते रहते हैं, ठीक है। अब एक बाबा जी आए थे, कहते हम 350 साल का है, हाँ कहने लगा 350 साल का, बोले हम कुछ नहीं खाते हैं। बाबा जी तो थे ही नहीं, मैंने अब तुमको तो आजकल लोग बाबा के नाम से कई लोग उल्टे सीधे घूमते हैं, अब भगत लोग को तो पहचानते नहीं। देखो गांव में है ना, अगर कोई भिखारी भी चले जाए ना तो उसे संत समझकर प्रणाम करते हैं, गांव के लोग इतने अच्छे हैं। और शहर में अगर कोई संत जाए ना तो भिखारी समझते हैं उनको, क्योंकि इनमें पहचान तो है नहीं संतों की, ये सत्य है। इसलिए शहर में और गांव में बड़ा अंतर है। तो कहते बाबा जी इतनी तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद में यहाँ रहे, और रह करके कहते इस भजन साधना करी, तब जा करके इतना बड़ा उनने ये वैभव बनाया, और आप लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। तो ये कहते कल्प वृक्ष है बाबा हरिहर का लगाया हुआ, यहाँ पर कभी कोई चीज़ कमी होती नहीं, क्योंकि किधर से आता किधर चला जाता कौन खाता, ये हिसाब किताब हम लोग रखते ही नहीं, ना राधाकृष्ण जी रखते, ना हमारे कोई संत लोग, ना हमारे गुरु लोग कोई रखते। कोई कहते बोले ये आया कहाँ गया, जैसे कोई दिया ना, कहते महाराज कहाँ करा, अब बाबा जी क्या कहा गया, खर्चा ही इतना है लाखों रुपए का, वो बाबा जी थोड़ी हिसाब लिखता। और मैं भी ऐसे ही है, कोई कहे हिसाब लिखो तो मैं कहते ये सब काम मेरा नहीं है, ये हिसाब किताब है ना
तुम अपने पास रखो, देना हो तो दो, नहीं तो मत दो, हम हिसाब किताब वाले नहीं। वो मेरा विचार भी ये कि सब लफड़ा कौन करे, अपना खाओ पियो, बत्ती बुझाओ, सो जाओ। बोलो सच्चे दरबार की जय। ठीक है, हाँ अपने बाबा लोग में खाओ पियो और बत्ती बुझाओ और सो जाओ। चलो भाई, यहाँ आज आपका विश्राम यही। अब शाम को ठाकुर जी का जन्म होगा, कृष्ण जन्म की कथा होगी बहुत सुंदर। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम, और हरिहर 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 जी। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबने राम जन्म का खूब आनंद उत्सव लुटाया। इसी प्रकार शाम को भी व्यवस्था बना के रखते हुए हम कृष्णोत्सव की आनंद लेंगे। तो मिलते हैं फिर 3 बजे। राधे राह दे, राधे, 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 राधे।